भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज किसानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ किसानों ने रोष मार्च निकाला। किसान नेताओं ने मांग की है कि बारिश की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा 60,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए, फसल अवशेष प्रबंधन का इंतजाम भी सरकार करवाए और पराली की खरीद करे, गन्ने की बकाया पेमेंट भी जल्द से जल्द ब्याज सहित दी जाए। अपनी मांगों का एक मांग पत्र भी लघु सचिवालय में जाकर प्रदर्शन करने के पश्चात उच्चाधिकारियों को दिया गया। किसान के अंदर इतना रोष है कि वे सरकार किसानों की हर बात की अनदेखी करती आ रही है। 2-3 दिन से लगातार बारिश से किसानों की फसल बर्बाद होगी, सरकार ने इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया। उससे परेशान होकर के भारतीय किसान यूनियन ने मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि वे इसकी तुरंत स्पेशल गिरदुवारी करवा करके किसान को 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा है कि धान के साथ साथ गेहूं की फसल बोई जानी है, पराली का सरकार इंजाम करवाए। अभी कुछ दिन पहले एक सरकार की तरफ से बयान आया था कि वे पराली की खरीद करी जाएगी। जब किसान पराली जलाता है तो उसके ऊपर अनाप शनाप मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अब किसान कह रहा है कि वे हम पराली बेचने के लिए तैयार हैं, तो सरकार ने उसका तुरंत इंतजाम करवाना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है गन्ने की बकाया पेमेंट के बारे में। कई महीने से नया सेशन शुरू होने को है शुगर मिल का, लेकिन पुराना पैसा किसान का आज तक बाकी पड़ा है। हमारी मांग है कि ब्याज सहित सारा पैसा किसान को तुरंत लौटाया जाए। आपके हिसाब से कितनी 50% किसान की फसल इस बार बर्बाद हुई है? कितने प्रतिशत? 40% पूरी एक एकड़ में 40% धान में नुकसान है किसान का। एवरेज है तो जी 100% है, 100% भी है, 100 भी है, लेकिन ऑल ओवर 40% ऑल ओवर 40% क्या कहते हैं राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, एक किसान यूनियन की तरफ से एक संकेत देना चाहता हूं कि जो बरसात प्राकृत हुई है उससे किसानों को जिन्होंने जमीन ठेके पे ले रखी थी या खुद कर रखी थी बहुत मोटा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ना स्कूल में पढ़ा सकते और ना ही गरीबी की कगार पे पहुंचने के लिए किसान मजबूर हैं। हमारी सरकार से एक ही विनती है कि जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और गिरदावरी कराकर तुरंत मुआवजा दिया जाए, जिससे हम गेहूं की फसल की उगाई कर सकें। और हमारी पराली की जो प्रॉब्लम है, पिछली साल भी हमने प्रदर्शन करके किसान यूनियन की तरफ से यहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया था। जब हमारे से सरकार ने एक वादा किया था कि आपकी पराली को जलाने की बजाय आपकी पराली को गवर्नमेंट सरकार खरीदेगी और आपको उसका पैसा मिलेगा और ना ही कोई मुकदमा दर्ज होगा, जो पिछले मुकदमे दर्ज हैं सरकार की तरफ से वो वापिस लिए जाएं। ये हमारा नहीं, हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए भारतीय किसान यूनियन आपके सामने खड़ी है, तैयार है। वो टेंडर छूट रहा था जी, टेंडर छूटा नहीं है पराली का अभी तक हमारे साथ। और जमुना में 2 बार पानी आने से सारे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पहले भी डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि जमुना में इतना भारी पानी आया, सभी को पता है, दिल्ली भी खतरे में पड़ गई थी। बाकी आज तक पहली फसल का भी मुआवजा नहीं मिला और अब जो फसल अब जीरी की फसल बिल्कुल तैयार थी और 2 दिन से फिर जमुना में बहुत सारा पानी आ गया है, जिससे सारी जीरी की फसलें, लोबिया की, मक्की की सब बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन फसलों का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवा जाए, अन्यथा गरीब आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा और इसका जो भी वो होगा वो सीधा सरकार पर जाएगा। क्या नाम आपका? गुल्लू चौहान, राणा माजरा। का जो प्रदर्शन है वो नाराजगी जाहिर करता हुआ किसान यहाँ पर पहुँचा है। हम अपना ज्ञापन डीसी महोदय के देंगे। हमने पीछे भी 3 महीने पहले डीसी को ज्ञापन दिया था। हमारी जो 80 ब्रांच है ना टूटगी, उनमें 3 गांव की 1,000 एकड़ धान की फसल खराब हुई थी। गांव कवि मादरा जोशी की जो फसल खराब हुई, आज तक सरकार ने जो उसकी गिरावटी करवाई वो हमारे SDM महोदय ने उसको नेगेटिव रिपोर्ट खारिज कर दी। हमारी मांग है प्रशासन से कि उचित ऐसा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसान को मुआवजा दिया जाए।